ये दोस्तों, क्या हाल है आपके। मैं हूं मनोज और आप सभी का स्वागत करता हूं वापस से और एक बहुत ही ज़बरदस्त वाले ब्लॉग पे। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं बीच पे और नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। ब्लॉग पे बने ना लास्ट तक। और बहुत भयंकर वाली लहरें उठ रही हैं आज, क्योंकि बारिश हुई थी दो तीन दिन लगातार। तो हाँ, मज़ा आएगा और बने रहना लास्ट तक और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। ये चेक करो गाइस, कितना खतरनाक माहौल हो रहा है यार बीच पे। देख रहे हैं कितनी बड़ी बड़ी लहर आ रही है। और मौसम देखिए, सामने में बारिश हो रही है भैया बीच समंदर में। और वेव देखिए आप, वेव बहुत खतरनाक आ रही है। तो भैया मैं जा रहा हूँ आज बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे। तो हाँ, आप लोग बने रहो लास्ट तक, मज़ा आएगा ज़बरदस्त। भैया सारा क्लोज है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और बिल्कुल सुनसान है बीच, कितना सन्नाटा है देखिए। जबकि ये बीच पे कितना क्राउड रहता था यार, अभी देख रहे हैं ना आप। खाली ये लहरों का शोर है, बाकी कुछ नहीं है। खाली लहरों का शोर है और बाकी कुछ और नहीं है, देख सकते हैं आप। तो भैया मैं जा रहा हूँ और बहुत रिस्क भरा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त लहरें उठ रही है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पर भैया काम चल रहा है अभी, शायद ये सीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपना रिसोर्ट। और ये नज़ारा चेक कीजिए आप, जो कि आपने बहुत बारी मेरे ब्लॉग्स में देखा ही है पहले भी। तो हाँ, एक बारी और देख लीजिए, कितने प्यारे पूरे बगीचे में नारियल के झाड़ लगे हुए, देखिए। और वेब देखिए, वेब काफ़ी ख़तरनाक है दोस्तों। और विंड भी काफ़ी तेज़ आ रही है दोस्तों, क्योंकि लहरें इतनी ज़बरदस्त उठ रही है तो विंड का आना तो लाजमी है ही। देख सकते पूरा क्लोज है भैया यहाँ पे रिसोर्ट, मेरे ख्याल से एक भी रिसोर्ट खुला है कि नहीं खुला, देख रहे हैं भाई साहब, पूरा मामला क्लोज है यहाँ पे। इक्के दुक्के लोग यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, ज़्यादा नहीं, देख सकते सामने में बिल्कुल एक दो लोग है, गिने चुने लोग यहाँ पे है दोस्तों। ये भी भूले भटके लोग आ रखे हैं शायद मेरे ख्याल से। तो हाँ भैया, माहौल काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे है, देख सकते हैं नज़ारा कितना खूबसूरत आ रहा है। मछुआरा भी आ गया, देख सकते हैं, मछुआरा नहीं आ रहा कि वो पापड़ बेचने वाला है। तो भैया ये चेक करो आप, माहौल कितना ज़बरदस्त हो रहा है माहौल यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक, देख रहे हैं। और ये रिसोर्ट शायद खुला है दोस्तों, देखिए बाहर से पूरा कवर किया है ये प्लास्टिक से, देख सकते हैं आप। बाकी अंदर हल्का फुल्का चालू है, ज़्यादा नहीं। भैया ये नज़ारा काफ़ी ज़बरदस्त आ रहा है यार, देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा शोर लहरों का ही आ रहा होगा दोस्तों। पता नहीं मेरी वॉइस आ रही कि नहीं आ रही, नहीं तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा दोस्तों बाद में, अगर वॉइस नहीं आ रही होगी तो। चेक करो गाइस माहौल, कितना भयानक माहौल हो रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। और ये रास्ता है भाई साहब, बिल्कुल किनारे से चिपक के मैं जा रहा हूँ उस तरफ, मेरे को जाना है सामने में। तो हाँ, यहाँ पे देखिए आप, कितना गड़बड़ाया हुआ है यार माहौल, देख रहे हैं ना, पता चल रहा होगा आपको भाई साहब। ये क्या सिस्टम है भाई, इतना खतरनाक। देखो भैया, लाइक करो बाद में आप ऐसे नज़ारों के लिए। भाई साहब यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी लहर आई थी और आने वाली है, देखिए चेक कर दे ये, इतना ज़बरदस्त है यार नज़ारा, देखिए। अभी मैं पार हो जाता हूँ उस तरफ,
जल्दी से फटाक से। पता नहीं मेरा कैमरा वगैरह भीगने जाए यार, इतनी बड़ी लहरें आ रही। देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे वॉल टच हो रही है। देखिए ये काफी जबरदस्त आने वाली है भैया। तो ये फटाक से निकलते हैं यहाँ पे, बहुत ही रिस्की जगह है, देख रहे हैं ना। चेक करो गाइस माहौल कतई खतरनाक हो रहा है माहौल भैया। देख रहे मेरे को जाना है सामने में, और यहाँ पे देखिए गदर मत रखिए, गदर गदर टू आने वाली है दोस्तों। यहाँ पे गदर टू, यहाँ पे बहुत सारे बंदे खड़े हुए हैं, इधर तक जाते हैं वापस हम जाएंगे अपने ठिकाने पे। ओ भैया क्या नज़ारा है यार, चेक कीजिए और ये चेक कीजिए, कत्ते जहर जहरीला माहौल हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। और ये रिसोर्ट चेक कीजिए कितना खतरनाक बना है यार, ये कब कौन से ज़माने का है मालूम नहीं। हालांकि अभी ये पूरा डैमेज हो चुका है, देख सकते हैं थोड़ी बहुत छत बची हुई है, और हाँ ऊपर से छत थोड़ा गिर रही है इसकी। देखिए बाकी इसकी बनावट देखिए आप कितनी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर चेक कीजिए आप ये कितना प्यारा बना रखा है, ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ऐसा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। और रिसोर्ट यहाँ पे बंद है, और यहाँ भी कुछ लोग हैं दोस्तों जो कि अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ये रिसोर्ट भी बंद है, सामने वाला एक रिसोर्ट ओपन है खाली एक, बस एक यही रिसोर्ट ओपन है दोस्तों। और यहाँ भी देख सकते हैं आप पूरा पैक है रिसोर्ट भी, क्योंकि एक ही ओपन है इसीलिए ये पूरा भरा हुआ है। अभी देखते हैं आगे कुछ खुला है कि नहीं खुला है। और यहाँ पे भीड़ भड़ाका काफ़ी है दोस्तों, देख सकते हैं क्राउड बहुत ही ज़बरदस्त भाई साहब, देख रहे हैं माहौल, देख रहे हैं अभी काफ़ी धूप आने लग गई यार। देखिए मैं सोच रहा था अभी बारिश होगी बट धूप आने लग गई, ये हमारे लिए अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि बारिश होती तो अपना ब्लॉग भी शूट नहीं हो पाता। तो हाँ अभी धूप आने लग गई तो हाँ आराम से ब्लॉग करेंगे इन नज़ारों के साथ। और यहाँ पे चेक कीजिए आप, यहाँ पे हल्की फुल्की चाल पाल है, और यहाँ पे भी एक रिसोर्ट ओपन है दोस्तों, देख सकते हैं आप बैठे हुए ऊपर रिसोर्ट पे। तो यहाँ पे चल रही मस्त फोटोग्राफी, देख सकते हैं आप चेक करिए। और यहाँ पे चेक कीजिए आप, एक ही ओपन है बस, और यहाँ पे चल रही भैया फोटोग्राफी। माहौल चेक कीजिए यहाँ पे, यहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है यार, कुछ लोग हैं ना इसीलिए। बाकी पूरा बीच सुनसान था आपने देखा, अब जाके यहाँ पे थोड़ा सा क्राउड मिला अपने को। तो हाँ यहीं पे अपना ब्लॉग कंप्लीट करेंगे आज का। देखिए लाइव गार्ड भी यहाँ पे बिल्कुल तैनात है, देख रहे हैं। और नज़ारा चेक कीजिए आप, नज़ारों के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है दोस्तों यहाँ पे, देख सकते हैं आप। यहाँ भी बन रही है भैया रील, रील की शूटिंग चल रही है यहाँ पे, देख सकते हैं आप दो माँ और एक बच्चे के साथ। चेक कीजिए यहाँ पे चल रही है भैया मसाज,
यहाँ पे हल्का फुल्का ओपन है, ज्यादा नहीं। सामने में देख सकते हैं आप पूरी की पूरी लहर। बस भैया इधर ही है लास्ट, इससे आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं, खाली कुत्ते कुत्ते हैं, कुत्तों के अलावा और कुछ नहीं है। देख सकते हैं बाकी कौवे उड़ रहे हैं आसमान में, मस्त। चेक कीजिए, गोवा के कौवे कुछ अलग है दोस्तों, अपने उत्तराखंड के कौवे थोड़ा अलग है, और उनकी आवाज़ भी अलग है, और बॉडी में भी वो बड़े दिखते हैं, अपने उधर के कलर में भी फर्क है दोस्तों। वो अपने उधर के बिल्कुल काले रहते हैं और ये इतने काले नहीं हैं। तो भैया चेक कीजिए यहाँ से माहौल, पूरा ओवरव्यू। ऑलराइट, तो गाइस चेक करो माहौल कितना ज़बरदस्त आ रहा है यार यहाँ पे। ओ ऐसा वाइब, वाइब काफ़ी ख़तरनाक आ रही है यार, देख सकते हैं आप। बाकी चेक कीजिए आप, ऐसा तो भैया बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको कैसा है, कैसा नहीं माहौल। चेक करो आप, तो भैया बीच में तो इतना क्राउड है नहीं जितना सीजन के टाइम पे रहता है। अभी ये नॉर्मल है अभी, हालांकि सीजन ऑफ है इसीलिए बिल्कुल भी क्राउड नहीं है। तो भैया हम निकल रहे हैं ये बीच से और निकलते हैं नेक्स्ट बीच की तरफ, और वहाँ पे शूट करते हैं दूसरे चैनल के लिए ब्लॉग। तो हाँ चेक करो मस्ती, देख सकते हैं आप नज़ारा कितना ज़बरदस्त है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए उसे। नज़ारों के लिए लाइक का बटन दबा दो दोस्तों जल्दी से, ऐसे नज़ारे सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पे मिलते हैं आपको देखने के लिए। चेक करिए आप डॉगी ब्राउनी, फीमेल ब्राउनी। तो भैया मज़ा आया काफ़ी कुल मिला के, आपको भी खूब सारा मज़ा आया होगा घर बैठे बैठे अपने मोबाइल पे ही। चेक करो आप कितने शानदार है यार ये नज़ारा, काफ़ी ख़तरनाक है दोस्तों, देख सकते हैं आप। गदर मच रहा है भैया, गदर कतई खतरनाक वाला गदर मच रहा है। देखिए लास्ट टाइम मेरे को याद है दोस्तों यहाँ पे एक बंदे का आईफोन गिर गया था हाथ से, जो कि मिला नहीं बाद में, पता नहीं किधर चला गया। लहरों लहर ऐसे आती है ना, एक बार आती है फिर जाती है, तो हाँ लहर के साथ ही वो चला गया था मेरे ख्याल से, ऐसा है तो हाँ बाद में मिला नहीं। चेक कर सकते आप मस्ती, मोटे लोग की मस्ती देख रहे हैं भाई साहब, ये नज़ारा चेक करो यार कितना ज़बरदस्त है। ऑलराइट, तो गाइज वक्त हो चुका है आप लोगों से विदा लेने का, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। आई होप कि आपने खूब अच्छे से एंजॉय किया हो, एंजॉय किया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू।